अब दोस्तों चलिए बात करते हैं पदार्थ के दूसरे अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। तो चलिए दोस्तों पदार्थ के दूसरे अभिलाक्षणिक गुण को लिख लेते हैं। पदार्थ का दूसरा अभिलाक्षणिक गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो चलिए लिखते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब दोस्तों इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी हमको सबसे पहले एक बीकर की आवश्यकता होगी। तो चलिए एक बीकर को बना लेते हैं। ये हमने एक बीकर को बना लिया है। इस बीकर में हम क्या भरेंगे? पानी भरेंगे। ये देखिए हमने पानी भर दिया। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये है हमारा बीकर और ये क्या है? ये है हमारा पानी अर्थात जल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ये हमारा बीकर है और इसमें हमने पानी भर दिया। और दोस्तों आपको पता होगा पानी का कलर कैसा होता है? पानी किसी कलर का नहीं होता अर्थात ये कलरलेस होता है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। पानी का कलर कैसे होता है? ये कलरलेस होता है, कलरलेस। दोस्तों इस बीकर में हमने पानी भरा। पानी भरने के बाद हम इस बीकर को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। हम इस बीकर को इसलिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो पानी हमने भरा है वो स्थिर अवस्था में आ जाए। जैसे ही पानी स्थिर अवस्था में आ जाता है तो दोस्तों हम इस पानी में क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट डालेंगे। क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ये यही बीकर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखिए ये हमने बनाया है बीकर, वही सेम टू सेम बीकर है। और इसमें हम क्या करते हैं? पानी भर देते हैं। हम जानते हैं कि पानी का कलर कैसा होता है? वो कलरलेस होता है। लेकिन जो हम डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट, ये हम क्या डाल रहे हैं? कॉपर सल्फेट। ये क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। और इसका जो कलर होता है वो पानी में जाने के बाद नीला हो जाता है। पानी में जाने के बाद कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो दोस्तों जैसे हम इस कॉपर सल्फेट को इस बीकर में डालेंगे तो क्या होगा? कुछ देर के बाद इस बीकर में जो पानी भरा है उसका रंग नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उसका रंग नीला हो जाएगा। तो हमने पानी ये हमने पानी भरा था। देखिए ये हमने पानी भरा था, इसका रंग कैसा हो गया? इसका रंग नीला हो गया। कैसा हो गया? नीला अर्थात ब्लू। इसका रंग नीला हो गया। ये नीला क्यों हो गया? नीला इसलिए हो गया क्योंकि पानी के जो कण हैं वो गतिशील हैं। पानी के कण गतिशील हैं और कॉपर सल्फेट के जो कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये एक रूम है, मैं इस रूम के एक कोने पर अगरबत्ती रख देता हूँ जलाकर, तो हम क्या देखते हैं?
कि अगर कोई बंदा दूसरे कोने पर है तो उसको अगरबत्ती की सुगंध आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जो अगरबत्ती के कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रहे हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया? अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया है तो हम एक तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? इसके लिए हम सबसे पहले एक ग्लास बनाते हैं। ये हमने एक ग्लास बना दिया। इस ग्लास में हम क्या करेंगे? पानी भर देंगे। तो हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पानी स्थिर अवस्था में आ जाए। जैसे ही पानी स्थिर अवस्था में आ जाता है तो हम ड्रॉपर की सहायता से इस पानी में ब्लैक रंग की इंक को डालेंगे। ये देखिए, हमने ड्रॉपर लिया और इस ड्रॉपर की सहायता से हम ब्लैक रंग की इंक को डाल रहे हैं। जैसे ही हम इस ड्रॉपर की सहायता से ब्लैक रंग की इंक को डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये पानी का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा। तो ये ब्लैक क्यों हो रहा है? हमने तो पानी को स्थिर अवस्था में रखा था, इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी स्थिर अवस्था में होने के बावजूद उसके जो कण हैं वो निरंतर गतिशील हैं। इसीलिए जैसे मैंने ब्लैक रंग की इंक डाली, पूरा पानी का कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और इसके पीछे हमने जो एक्सपेरिमेंट किए वो आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों चलिए इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक स्टार, दो स्टार और तीन स्टार, ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। तो चलिए दोस्तों इस पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं। अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और दोस्तों ये गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे ये गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट्स इसी में देखते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पदार्थ के कणों की गति का क्या क्रम होता है, अर्थात क्या आर्डर होता है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, पदार्थ के कणों की गति का क्रम। दोस्तों गैस के कण जो होते हैं वो सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, तो चलिए लिखते हैं गैस के कण सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। उसके बाद जो होता है वो हमारा द्रव होता है, अर्थात तरल होता है। तरल के कण जो होते हैं वो गैस के कण से कम गतिशील होते हैं, और सबसे कम गतिशील जो होते हैं वो ठोस के कण होते हैं। किसके कण होते हैं? ठोस के कण होते हैं। तो दोस्तों ये सीरियल आर्डर आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए।